सलाम वालेकुम। तो आज हम देखते हैं सोफिया पार्ट वन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत साल पहले। रुको, कहानी मैं सुनाऊंगी। और मैं भी। ठीक है, चलो सब मिलकर सुनाएं। बढ़िया। आहा, तुम शुरू करो। बहुत साल पहले एंचेंसिया नाम के एक जादुई राज्य में सोफिया नाम की एक नन्हे बच्ची रहती थी। सोफिया अपनी माँ मिरांडा के साथ जूतों की एक छोटी सी दुकान में काम करती थी। लेकिन एक दिन उन्हें महाराजा रोलैंड द्वितीय का बुलावा आया, जिन्हें नई शाही जूते चाहिए थे। उम्मीद है वो नीले रंग के हो। नहीं, लाल। चलकर देखते हैं। सोफिया और उसकी माँ महल पहुँची। सोफिया महाराज से मिलने को बहुत ही उत्सुक थी। मिरांडा ने महाराज के पैरों में शाही जूते पहनाए, जैसे कि वो उनके लिए बने थे। ये तो कहानी की शुरुआत है। सोफिया, जल्दी करो बेटा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। अपना ध्यान रखना सोफिया, हमें भूल मत जाना। अलविदा जीन, अलविदा रूबी। अलविदा, हमें भूल मत जाना। अलविदा। हमारा कमरा कैसे होगा? सोफिया, अब जबकि हम महल में रहने वाले हैं, तो वहाँ तुम्हारा अपना खुद का कमरा होगा। सोफिया प्रथम एक थी राजकुमारी। अब ज्यादा देर तक यहाँ की सबसे खूबसूरत राजकुमारी नहीं रहोगी। एम्बर, जेम्स, हमें विश्वास है आप दोनों। कैसे हो? सुप्रभात सोफिया। शुभ प्रभात राजकुमार जेम्स। राजकुमारी एम्बर, मैं कितनी खुश हूँ कि अब हम बहने हैं। सौतेली बहने। एम्बर, जेम्स, ज्यादातर कहानियों में सौतेली माँ बच्चों से अच्छे से पेश नहीं आती, पर मैं वो बदलना चाहती हूँ। ये लो, मैंने इन्हें अपने हाथों से सिया है। ये तो हमारा शाही चिन्ह है। बिल्कुल सही जेम्स, इस पहचान को हम बरकरार रखेंगे एक परिवार बनकर। सोफिया, परिवार में आपका स्वागत है। महारानी मिरांडा और राजकुमारी सोफिया की जय हो। सेड्रिक, हमने फूलों की बरसात कहा था, पानी की नहीं। माफ कीजिए महाराज, इसे चलाना अभी तक सीख रहा हूँ। ये है सेड्रिक, हमारे शाही जादूगर। इनके पूर्वज भी हमारे वहाँ जादूगर हुआ करते थे, इसलिए अब तक यहाँ हैं। ओ, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश। क्या मैं भी हाथ ले रहा हूँ? हाँ, आपको भी हाथ लहराना चाहिए। ठीक है। हे, कैसे हैं आप? हम सिर्फ शाही लोगों के सामने झुकते हैं। मुझे लगता है यहाँ के तौर तरीके सीखने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए जैसा हम करें हमारे पीछे वैसा ही करें। बढ़िया, मतलब हम आगे रहेंगे और आप हमारे पीछे पीछे आएंगे। ओ, ठीक है, आ रही हूँ। ओ, जरा संभल कर, ये नई राजकुमारी की राजगद्दी है। ठीक है। राजकुमारी, जरा संभल कर चलिए। जादूगर सीड्रिक। मेरा नाम सेड्रिक। आप जैसे सचमुच के जादूगर से मिलना मेरे लिए एक सपना है। फूलों वाला जादू तो कमाल
था। अगर कमाल से तुम्हारा मतलब है मेरे बेहुदा कारनामे, तो उसके लिए शुक्रिया। मुझे तो आग उगलने वाले बड़े बड़े राक्षसों को पकड़ना है। पर नहीं, महाराज तो कुछ और ही चाहते हैं। जादूगर सीट्रिक। मेरा नाम है बेलीवेक, मैं महल का प्रबंधक हूँ। महल की सारी चीजें सही वक्त पर सही जगह पर हैं या नहीं, ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। और आपको होना चाहिए था भोजन गृह में 30 सेकंड पहले। जल्दी कीजिए। जा रही हूँ। सोफिया। कहिए महाराज। हमें रोलैंड कह सकती हो, या ए मुकुट पहने हुए इंसान, या फिर पिताजी। यहाँ की रीत है कि शाही परिवार के सदस्यों का शाही अंदाज में स्वागत किया जाता है। आपकी माँ का स्वागत शादी के दिन किया गया, और आपके लिए अगले हफ्ते हमने एक शाही समारोह आयोजित किया है। क्यों बॉस? जेम्स, बीच में नहीं बोलते। क्षमा कीजिए। शाही समारोह मेरे लिए? पिताजी, ये सब हमारे लिए क्यों नहीं किया? किया गया था, आपके और आपके भाई के जन्म के बाद। आपको याद नहीं बहना? सोफिया, ये आपका शाही स्वागत होगा, और आपको हमारे साथ नृत्य करना होगा। ओ रोली, कितना मजा आएगा। मुझे नृत्य करना होगा? क्यों नहीं, इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा लोगों को बताने का कि राजकुमारी सोफिया राज्य में पधार चुकी हैं। ये मेरा कमरा है? नहीं राजकुमारी, ये आपका कमरा है। कितना बड़ा है? ये उतना ही बड़ा है जितना होना चाहिए। इसमें आपका शाही बिस्तर है, खिड़की, खेलने की जगह और पढ़ने की जगह, और यहाँ पर आपको आपके सारे शाही कपड़े और जेवरात मिलेंगे। सुंदर। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपको सिर्फ इसे खींचना है। जी राजकुमारी, आपने बुलाया? क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है? ठीक है, अब आप जानती हैं कि आपको कुछ चाहिए तो क्या करना है। शुभ रात्रि। प्यारे बच्चों, अगर आपको कार्टून अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो ऑफिस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलो चलो। ये इसकी गंदी नहीं, नहीं गंदी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो हम ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद अगर प्यारे बच्चों अगर आपको कार्टून अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो हाफिज़।